एक चैप्टर में थोड़ा ये। अच्छा इधर देखो, शील्डिंग इफेक्ट पर देखो, लिखा देता हूँ डेफिनेशन पे, लिख लो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियस रिपल्शन। हाँ हाँ बता दे रहा हूँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। हाँ ठीक ठीक है। अच्छा इधर लिखो, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में दी इलेक्ट्रॉन्स, पहले लिख लो फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर ऑफ द वैलेंस शेल है ना, वो वैलेंस। हाँ वैलेंस शेल। मैं फिर लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आप मोल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर भेज सकते होगा वापस? फर्स्ट लेक्चर ठीक है, देखता हूँ क्यों अभी तक नहीं सर, सोचा है। मुझे हाँ कुछ एक थोड़ा मुझे एक बात जानना था वापस, तो उसके लिए मैंने खोला उसको वापस तो लेक्चर को, और लगता है उसका रिकॉर्डिंग इरेज हो गया। ठीक है, देखना पड़ेगा, देखता हूँ कौन सा पार्ट उसमें जानना है। आई थिंक मुझे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रेसिपल एक बार देखना है वापस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो ये तो आसान थोड़ा है। हाँ है, पर ठीक है मुझे इसे देखना था। तो क्या हुआ कि मैं ढूंढने गया ठीक तो रिकॉर्डिंग गया। ठीक है ठीक। तो अपना अच्छा इधर, टेबल बनाया कि नहीं। अच्छा इधर, हाँ इसका बना के दे दूंगा, पीरियोडिक टेबल से बना दूंगा तुम लोग को, पीरियोडिक टेबल से ठीक ओके सर। है, पीरियोडिक टेबल से सर बना दूंगा। अच्छा इधर देखो, एक उनका मल्टी क्या? इलेक्ट, हाँ इसका पहले देखो इसका क्या मतलब है, स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है अब देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। सर अच्छा एक मान, मिनट पीछे ले सकते हो। हाँ हाँ सर हो गया। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा है लास्ट वर्ड। हाँ स्क्रीनिंग भी बोलते हैं शील्डिंग भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या ओके है, मान सर। लो ये मान लो एक न्यूक्लियस है ठीक है, और ये मेरे कोई मान लो आउटर इलेक्ट्रॉन है यार, ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ऑब्वियस बात है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस।
इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर चार्ज. अरे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा. सर एक मिनट पहले पीछे जाओ. सर मैंने इसे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दिया. हाँ ठीक ठीक है. अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर चार्ज. ये क्लियर है. अब एक चीज ध्यान देखो, लेकिन अंदर में कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. इनको कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? दीज आर कोर इलेक्ट्रॉन्स. कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है या इनर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है. ठीक है. अब ये कोर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा क्या करते हैं, ये थोड़ा रिपल्शन करेंगे कि नहीं? मतलब बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन कर रहा है. हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन तो कर ही रहा है. इनफैक्ट इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा ही. ये इलेक्ट्रॉन वन और टू के बीच में भी रिपल्शन है, वन और थ्री के बीच में भी है, वन फोर के बीच में है, टू थ्री के बीच में है, टू फाइव के बीच में. अब एज अ रिजल्ट होता क्या है, ड्यू टू दिस रिपल्शन ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये फुल राशि, दिस इज अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात किया जा रहा है, नॉट अबाउट शील्डिंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक. पहले खत्म करने दो पूरा बात. ठीक है. आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर चार्ज. तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है न्यूक्लियस से, लेकिन जितना का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. क्यों? बिकॉज अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा उसको क्या करेंगे, रिपल्शन कर रहे हैं. ये समझ में आया क्या बोला? उसको और एक्सप्लेन करता हूं. ये अट्रैक्शन फोर्स है. जैसे एग्जांपल लिथियम की बात करते हैं. लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? अगर देखेंगे लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, अंदर में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तीन प्रोटॉन होगा. तो इसके पहले शेल में दो हो गए और दूसरे शेल में कितना होगा? एक. इसको कितना का इफेक्टिवली, इसको कितने के प्रोटॉन का फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शुड हैव आइडियली, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्पीकिंग आइडियली शुड हैव एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू थ्री प्रोटॉन्स. इसको तो थ्री प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए था ना? Yes, sir. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि एक्चुअली दिस इज ओनली एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 1.7. मतलब ऐसे समझो कि 1.7, अब इसको तोड़ के मत देखना सर, प्रोटॉन्स 1.7 कैसे हैं, कोई यूनिट नहीं है, मतलब थ्री प्रोटॉन्स है, बट एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि 1.7 का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है. तो ये जो 3 - 1.7 है, 1.7 इज व्हाट, दिस इज द जेड इफेक्टिव, द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सबको ये समझ में आया? और दिस न्यूक्लियर चार्ज, ये जो इसको ऐसा लग रहा है कि 1.7 प्रोटॉन का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दिस न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन. इसी को एक नाम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कोर इलेक्ट्रॉन्स इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, रिपल्शन, रिपेल कर रहे हैं. हाँ,
तो दिस इज नोन एज द जेड इफेक्टिव. तो आप बोलोगे व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द जेड इफेक्टिव. इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एक्चुअली फेल्ट बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट ड्यू टू द प्रोटॉन्स, थ्री प्रोटॉन्स विच शुड हैव आइडियली बीन द केस, बट इट इज ड्यू टू 1.7. ऐसा लग रहा है कि 1.7 है बिकॉज सम ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन्स हैव compensated for that force of attraction because they are actually repulsing this electron. तो ये core electrons जो हैं ये थोड़ा सा actual force of attraction को कम कर देते हैं. तो एक term हम लोग decide करते हैं जो Z effective actually में है, that is Z actual यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 protons atomic number minus the electron shielding. अब देखो shielding का मतलब क्या होता है, शील्डिंग का मतलब, शील्ड का मतलब होता है कैसे, शील्डिंग का मतलब कवच समझो, है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो शील्डिंग का मतलब हो रहा है द कोर इलेक्ट्रॉन्स, द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरीके से शील्ड कर रहे हैं, किसको शील्ड कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं. किससे शील्ड कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस, इसीलिए इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. सर ये 1.7 जो आया था वो एक्सपेरिमेंट करने से आया ना, एक्सपेरिमेंटल. हाँ, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. ये 1.7 का यूनिट क्या होगा, यूनिट कुछ नहीं, दिस इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई ऐसा यूनिट मत रखो. जेड इफेक्टिव दैट इज ड्यू टू, हाँ नहीं नहीं साथी बता रहा हूँ, पहले ये क्लियर है, ठीक है, ये सबको क्लियर, स्क्रीनशॉट लो सर. जेड इफेक्टिव दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था. हाँ हाँ ठीक है, ठीक. अभी सर आपने ऊपर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन स्पीकिंग आइडियली, मतलब आइडियली शुड हैव एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोटॉन्स, है ना, बट रियलिटी में उसको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 1.7 प्रोटॉन का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा कम हो गया है. तो ये जो डिक्रीज हुआ है वही मैंने लिखाया भी है, दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. ये क्लियर है? यस सर. चलो स्क्रीनशॉट, अब देखो ध्यान से यार, Is screening effect a concept of a monoelectronic species? No, so multi-electronic species. There is nothing as hydrogen atom में, मतलब hydrogen atom में कोई core electrons नहीं है. तो screening effect or this concept, it is a concept of multi-electron species. पहला point. इसमें हाँ दिखा, स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा, देखो ना ग्रुप में है. हाँ सर, सर मैं भेज दिया होगा ना. हाँ भेज दिया होगा, ठीक है. हाँ हाँ रुचिता, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, आई विल कम टू दैट पॉइंट. वो कितना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. दूसरा यार, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन ईच अदर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन ईच अदर. स्क्रीन का मतलब स्क्रीन बोलो या शील्ड. Every other electron, obvious बात है, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. तो हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा रहा है, ये सभी पर है. बट द जो सेम शेल में जो रहते हैं, द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट स्क्रीन मच. क्यों, दोस्ती यारी ऐसे समझ लो, दे आर ऑफ द सेम शेल सेम लेवल, करते तो वो भी एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, बट फिर भी दे आर ऑफ द सेम टाइप, दे आर ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, तो ये उतना स्क्रीनिंग नहीं करते हैं. नहीं नहीं नहीं, तो इसीलिए तो इसमें रहे थे, एनर्जी लेवल भी एक फैक्टर है ना, एनर्जी लेवल भी एक फैक्टर है, वो एक लेवल भी एक फैक्टर होता है कि उनका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, विल नॉट गो फॉर दैट. सर बट अगर एक इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट सेल में है
सर तो उसके लिए तो आउटर मोस्ट जो उसके आगे वाले सेल में होंगे तो पुश करेंगे ना उसको अंदर की तरफ, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाना चाहिए। नहीं 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 वैसा दिस इज नॉट दैट कॉन्सेप्ट, रिपल्शन का वो कॉन्सेप्ट ऐसा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये गलत है थोड़ा। ठीक है खैर हम लोग उस पॉइंट पर भी आएंगे, रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, उस पॉइंट पर भी आएंगे, दिस इज नॉट लाइक फोर्सेस ऑन फिजिक्स। ठीक है अच्छा इधर ध्यान दो, हम लोग आउटर मोस्ट शेल की अगर बात करेंगे, देखो ध्यान दो, तो सबसे ज्यादा द मोस्ट डोमिनेंट शील्डिंग कौन करता है, सबसे जो डोमिनेंट शील्डिंग करता है इनरमोस्ट, नहीं वो भी अगर मान लो मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग करना है या प्रॉब्लम करना है तो मोस्ट डोमिनेंट शील्डिंग जो उसका सबसे बड़ा उसको वो चाहता है मैं न्यूक्लियस के पास, पहले वाला जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला उसको उसी से प्रॉब्लम है ज्यादा, कर सब रहे होंगे बट उसको प्रॉब्लम सबसे पहले उसी से है, द मोस्ट डोमिनेंट शील्डिंग फेल्ट। रुको पहले मतलब अगर ये कोई न्यूक्लियस है और ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सबसे है, सेकंड वाला। हाँ सेकंड, थोड़ा सा कभी कभी ये भी बोल सकते हो फर्स्ट और सेकंड, बट चलो इन दोनों को मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर कोई रहेगा उतना उसको उससे डर नहीं है, ये चाहता है कि मुझे प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो, चाहता ही ऑब्वियस बात है हर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको सबसे ज्यादा डर या सबसे ज्यादा इसको बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फेल्ट बाय दिस आउटर मोस्ट, जस्ट उसके जस्ट पहले, या फिर ये डोमिनेंट है नेक्स्ट में थोड़ा इसको ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट का मतलब जस्ट पहले, और सभी एक दूसरे को कुछ हद तक तो बचा ही रहे हैं, वैसा कोई लोड नहीं है कि सभी एक दूसरे को कुछ हद तक तो बचा ही रहे हैं, बट सबसे ज्यादा जो फील करता है वो इनर मोस्ट वाले हैं। ठीक है अब देखो ध्यान से एक और चीज, अगर देखा जाए एस पी डी और एफ किसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है, ज्यादा रहा पेनेट्रेशन पावर बताए थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एस का एस ज्यादा रहा पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर का क्या मतलब है, पेनेट्रेशन पावर का मतलब है ठीक है जो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब हो, करीब नहीं मतलब या फिर क्या बताए थे जो ज्यादा पेनेट्रेट कर पाए, वहां उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास पहुंच सकता है, इसी को पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। तो ऐसे समझो अगर कोई दो कारण, देखो ध्यान से मान लो कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उसके जस्ट इनर वाला कोई एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और सेकंड केस कोई न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उसके जस्ट अंदर वाला कोई डी है, मतलब उसके जस्ट अंदर वाला एस में है और एक बार उसके जस्ट अंदर वाला डी में है, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा शील्डिंग करेगा, एस वाला की डी वाला, एस वाला, एस वाला, एस वाला का पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो यार, आप समझ लो जैसे कि एक वीआईपी है वो चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन उठा लो सेलिब्रिटी उठा लो जो भी है, हम लोग इंडिया में बहुत सारा लोग है बेवकूफ काम करते रहता है, तो इसको बचाने के लिए पब्लिक से बचाने के लिए बॉडी गार्ड, आप ऐसे समझ लो, और लोग इससे मिलना चाह रहे हैं, जितना ये बॉडीगार्ड इससे क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, सिंपल सा मॉडल, वैसे ही मॉडल समझ लो, तो इसीलिए। और ज्यादा पेनेट्रेशन पावर किसका है, एस का, फिर पी का, फिर डी और एफ का, तो दो रीजन दिया जा सकता है, पेनेट्रेशन पावर का मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन खुद बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है
तभी उसका पेनिट्रेशन पावर है। तो ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है न्यूक्लियस मतलब वीआईपी, उससे और ऑटोमेसेट्रॉन मतलब आदमी जो मिलना चाह रहा है उससे, उसका चाहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसका होता है? एस। सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर करेगा एस, फिर कौन करेगा? इनफैक्ट ये दोनों तो फिर सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास है तो वो वाला ज्यादा शील्डिंग देगा ना। हाँ ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा उसके प्रोटेक्ट करेगा ना, ज्यादा क्लोज मतलब एस सबसे डोमिनेंट है। यस yes, अगर किसी का इनर मोस्ट एस हुआ तो समझ लेना यार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत कम कर देगा। और किसी के जस्ट अंदर वाला डी हुआ तो ये बाहर वाला एकदम मस्ती मारेगा, बोलेगा वाह अंदर वाला कोर मुझे थोड़ा परेशान तो कर रहा है बट फिर भी बोलेगा थैंक गॉड एटलीस्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन एन एस ऑर्बिटल, दैट इज इन अ डी और एफ ऑर्बिटल। एफ हुआ तो बहुत खुशी और अच्छा मस्ती ही मस्ती। एफ ऑर्बिटल तो क्या बोलेगा, एफ ऑर्बिटल तो और पुअर शील्डर है, दीज आर वेरी पुअर शील्डर्स। सर लेकिन डी के पहले भी तो पी और एस रैंक है ना। हाँ डी, इसलिए मैंने क्या बोला तरीका, तो मैंने बोला ना आउटर मोस्ट वाले को जस्ट किससे मतलब है, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट से ना, मैंने बोला कि अगर ये पेनल्टीमेट हुआ तो प्रॉब्लम मतलब उसको। हाँ और ये पेनल्टीमेट हुआ तो प्रॉब्लम तो है ही क्योंकि सब दूसरे को बचा रहे हैं, बट अब रिलेटिव प्रॉब्लम की बात है, उतना दर्द ये महसूस नहीं करेगा ये डी वाला, जो डी वाला पेनल्टी वो कम से कम बोलेगा थैंक गॉड एटलीस्ट डी है देखा जा सकता है, ये उतना अच्छा रोल नहीं कर रहा है इसको आई कैन, ये जो आदमी है जिसको रोल दिया गया है वीआईपी से बचाने का ये खुद ही ठीक है। सर ये तो हम वो एनर्जी गैप से भी समझ सकते हैं ना, वो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच में एनर्जी गैप मैक्सिमम गैप ज्यादा। यस ये ज्यादा होता सर, अगर अगर उसके पीछे डी और एस हो तो फिर हाँ मतलब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ सर बाहर वाले का भी देखेंगे नेट इफेक्ट जीरो ही होता है, ठीक है बाहर वाले का कोई इफेक्ट नहीं होता, अभी हम लोग करेंगे स्लेटर्स रूल उसमें आएगा। हम लोग को जस्ट इस अगर किसी पर हम लोग का टेस्ट चार्ज है जिस पर हम लोग को शील्डिंग का देखना है तो उस टेस्ट चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट है अंदर वाला बस, और वो भी कौन सा, सभी अंदर वाले नहीं करते, सभी अंदर वाले हैं ऐसा नहीं बोला कोई अंदर वाले करेंगे, लेकिन उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठीक है अंदर वाले इससे है। और इधर ध्यान देना इसका एक और रीजन भी दे सकते हैं, डी और एफ के ऑर्बिटल्स क्या हैं, डी और एफ के ऑर्बिटल्स ज्यादा डिफ्यूज हैं कि नहीं? यस सर, डिफ्यूज समझते हो, डिफ्यूज का मतलब उनके ऑर्बिटल्स में तो खुद इलेक्ट्रॉन पता नहीं आज यहाँ है आज वहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है थोड़ा बड़ा है तो क्या ही उसको शील्ड करेगा। हाँ क्या ही शील्ड करेगा, मतलब ऐसे समझो कि अगर तुमको एक बड़े से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही रिपल्शन कर रहा है ना, और ये आदमी जो है इस इलेक्ट्रॉन को एफ ऑर्बिटल में मॉडल से समझो और कैसे समझ सकते हैं, इस आदमी को जो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एक आदमी मान लो उसको तुम बोल दो कि एकदम घूमते रहो, वो घूम रहा है यहाँ पर जा सकता है यहाँ जा सकता है, तुम्हारे पास पेनिट्रेट करने का ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो बोल सकते हो कि इसका ऑर्बिटल डिफ्यूज है तो तुम उसको कभी ना कभी तुम वेट करोगे कि कभी उधर भी चला जाए उस ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में ही बट शेप तो डिफ्यूज है ना, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, चार चार लोज में घूम सकता है ना, P ऑर्बिटल तो कम से कम ऐसा होता है। तो ये भी कारण कुछ किताब देता है कि या तो आप इसको ऐसे समझ लो पेनेट्रेशन पावर से, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चूंकि वहां के ऑर्बिटल्स ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका भी प्रोबेबिलिटी इधर है उधर है, इन लोज में कभी भी घुस रहे होंगे कहीं भी घूम रहे होंगे तो इनकी नजर समझो, ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो ज्यादा लाइक होल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, मतलब बहुत सिलेक्टिव जगह पे लाइक एस ऑर्बिटल पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ऑर्बिटल्स डिफ्यूज बोला, ये क्लियर है सर मतलब। हां यस सर, यस सर, हां क्लियर है। बोलो सर अगर ऐसा है तो सर एस को तो कोई रिपल्शन पावर ही नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए। नहीं नहीं कोलैप्स क्यों सर, उसका तो कोई रिपल्शन पावर ही नहीं है ना, उसे कौन रिपल्शन। हाँ हाँ ये हम लोग ने इसीलिए एक चीज है, हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने रदरफोर्ड मॉडल ये सब तो पहले कर लिया ना। देखो एक सिंपल सा चीज है, किसी एक पॉइंट से तो आपको स्टार्ट करना है
वहां पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. दिस इज द डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली में. यस अभी अलग बात है, देर हैव बीन नाउ वेरियस क्या बोलते हैं, वेरियस थियरीज दैट हैव कम अप के अंदर में कुछ फोर्सेस ऑफ रहते हैं, लेकिन ये एक एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप पीछे नहीं जा सकते. अब यू कैन नॉट क्वेश्चन साइंस. आप उसको अब जिसका नाम देना है दे दो, ईश्वर का नाम दे दो, भगवान का नाम दे दो, नेचर सर फैक्ट होगा. हाँ वो फैक्ट होगा क्योंकि ये मॉडल तो ऐसा बना है, जबकि होना तो यही चाहिए था. इलेक्ट्रॉन शुड हैव बीन एंटायरली इनसाइड द न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं है. जैसे ग्रेविटी खींच रहा है, वी कैन नॉट क्वेश्चन दिस नाउ कि पिच नीचे ही क्यों कर रहा है. इनफैक्ट उल्टा है, हम लोग ये देखे हैं और इसको नाम दिए. अब इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसके पीछे तो नहीं जा सकते हैं. वो किसी इंसान के अंदर उतना नेचर के अगेंस्ट तो काम नहीं कर सकता. पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो हम लोग ने क्या समझा शील्डिंग में, स्क्रीनशॉट ले लो. आउटर मोस्ट वाले को बचाता है, कौन बचाता है, इनर वाले. इनर वाले हाँ, वो भी पेनल्टीमेट सेल से उसको ज्यादा प्रॉब्लम है. करते सभी हैं, ऐसा नहीं कि अंदर वाले ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं फील कर रहा होगा, करता सभी है, बट पेनल्टीमेट. और एक लेवल में भी जो रहते हैं वो भी एक दूसरे को थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बट फिर भी उनका प्रॉब्लम उतना डोमिनेंट नहीं है जितना कि बाहर वाले को किसी दूसरे से प्रॉब्लम है, बाहर वाले को. और जितना ज्यादा पेनेट्रेशन पावर होगा उतना अच्छे से वो शील्ड करेगा. जैसे एस और पी आर वेरी गुड शील्डर्स, और यही कारण है लिथियम में देखो कितना का चेंज कर दिया. लिथियम का इनर मोस्ट कौन है, 1s2 2s1 है ना, इनर मोस्ट कौन है, 1s है. 1s का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा, देख रहे हो 3 प्रोटॉन से सीधा कितना पे ले आया, 1.7 पर ले आया है, बहुत का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है. सबको यहां तक क्लियर है, अब देखो ध्यान से. अच्छा आप लोग के पास बुकलेट है क्या, बुकलेट है आप लोग के पास? यस सर. तो उसमें एक हम लोग को अब करना पड़ेगा एक स्लेटर रूल करके, वो आप लोग बुकलेट खोलिए तो क्योंकि वो लिखाना पड़ेगा और वो आप लोग को देखना है. उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, पेज इस पर जाओ तो पेज 160 सब लोग खोल के आइए. वो लिखाने से बेटर है कि आप लोग साथ साथ पढ़िए, लिखाने से कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मुझे आप लोग को देखना पड़ेगा. क्या करना है फिर से बोल सकते हो? हाँ बुकलेट खोलो और बुकलेट का पेज 160 पर आओ. हाँ सर आ गया हूँ. आ गया ठीक है. अच्छा अब देखो देखो क्या है, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सब लोग आ गया है वो शील्डिंग इफेक्ट पर, ठीक है ना. देखो यस सर. अब ये जो मैग्नीट्यूड है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जो मैग्नीट्यूड है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ये ऑब्वियस बात है किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अंदर में कितने बचाने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्लेस्ड हैं. और मैंने बताया था ना, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स पी वाले में है जस्ट पेनल्टीमेट तो बहुत प्रॉब्लम, एस में है तो और प्रॉब्लम, डी और एफ में है तो थोड़ा कम प्रॉब्लम. ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल, अंदर वाले किस ऑर्बिटल में है. तो इनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल या फिर पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स? नहीं ऐसे तो टोटल है, इस टोटल में भी सबसे डोमिनेंट कौन करेगा, पेनल्टीमेट. लेकिन मैंने भाई बताया सब एक दूसरे को करते हैं तो डिपेंड तो करता ही है, सब एक दूसरे को कर ही रहे हैं. इनर जितना रहेगा उसको उतना ज्यादा रिपल्शन फील होगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सबसे ज्यादा वो है, ठीक है. yes. अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कॉन्स्टेंट है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो हम लोग क्या लिखे हैं, द एक्चुअल चार्ज फेल्ट, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअली में ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन्स इसको जेड फील नहीं होता है, जेड से थोड़ा कम फील होता है. और ये जो कम फील हुआ है, जितने से कम हुआ है, इसको एक नाम देते हैं शील्डिंग कॉन्स्टेंट, या फिर क्या नाम देते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. और ये स्लेटर रूल से एक फॉर्मूला निकाला गया है, एंड दिस इज एम्पिरिकल, दिस इज नॉट लॉजिक बिहाइंड इट. एम्पिरिकल समझते हो, एक्सपेरिमेंटल है. हाँ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसने
और जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऐसा, मतलब पढ़ाई कर रहे हो बट अब तो ये हो चुका ऑब्सोलीट है, जुगाड़ है, टेक्नोलॉजी है। मतलब उस समय जब स्लेटर ने बनाया था तो उसने ऐसा कुछ रूल बनाया था और इससे वो इस शील्डिंग कांस्टेंट निकालता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलोगे सर मुझे बताइए, कहानी तो सुन लिया, हाउ विल द क्वेश्चंस बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो क्वेश्चंस आस्क्ड ऐसे होगा कि आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को एक रूल फाइंड करना है। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूं, अब मेरे साथ ही रूल देखते रहेगा, सबके पास आई हो बुकलेट हो, अंदाजे में बुकलेट रख लो, पेज 160, ठीक है। मान लो मैं सोडियम पर एक क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव, सबके पास है ना बुकलेट की, शेयर कर दूं? यस यस सर, शेयर कर, शेयर कर दूं क्या? ठीक है सर, बुकलेट रुको कर ही देता हूँ, जब लोग बोल रहे हैं कुछ तो जस्ट मुझे शेयर करने में एक ही मिनट तो लगेगा। कर दिया शेयर, तो कर दिया, हाँ ठीक है। अब देखो मान लो किसी ने कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। चलो पहले समझ में आए हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअली में कितना वो एक्सपीरियंस कर रहा है जेड इफेक्टिव। होना तो चाहिए 11 प्रोटॉन का, बट एक्चुअली में वो क्या 11 प्रोटॉन कर रहा है? तो आंसर इज नो। नाउ एवरीबॉडी कम टू दोस रूल्स। फर्स्ट अप्रोच कैसे करोगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा? द फर्स्ट अप्रोच इज पहले तो सोडियम का लिखोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लिखने आना चाहिए, बताओ क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1, क्लियर है? ये पहले करोगे, पहला अप्रोच। उसके बाद क्या करोगे, चेक करोगे मेरा क्वेश्चन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, आउटर मोस्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसको एक नाम दोगे, दिस इज योर टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर, फिर से सुनो जो बोल रहा हूं, इस पर आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू निकालोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स का नेट इफेक्ट निकालोगे, ये एक्चुअली में कितना कर रहा है। अब पेज 160 पर देखोगे ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ये किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, s तो पेज 160 पर देखो लिखा हुआ है फॉर ns और np ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? अगर ns है और np है, सबसे पहला तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोगों ने पहले कर लिया, ठीक है, दिस इज एम्पिरिकल, नो लॉजिक बिहाइंड इट एज सच, तो डोंट गो फॉर एनी लॉजिक्स, यू कैन बट पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम मैथमेटिकली सर कहां से आया है पूरा, थोड़ा बहुत फेयर है तो क्वेश्चन आपको थोड़ा जानना ही है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, उनको ग्रुप करो, कैसे ग्रुप करोगे, 1s 2s 2p 3s है, 3s और इसके बीच में ग्रुप में 3p आता, 3p तो है नहीं, थे काम करते हैं 3p जीरो कर लेते हैं और क्या, या छोड़ देते हैं, क्या इतना टेंशन लेना है ना, 3p तो है ही नहीं, क्लियर है, समझा। उसके बाद देखो क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो इस, ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का है, आपने ग्रुपिंग कर दिया, दिस इज वन ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ दिस ग्रुप, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अभी आपने पूछा था ना सर बाहर वाला रहेगा तो क्या होगा, बाहर वाले का शील्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे हैव नो इफेक्टिव इन शील्डिंग, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। थर्ड पॉइंट पर आओ, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप में हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप में हैं, वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 0.35। All the electrons in that group, जिस ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इस ग्रुप में
जिस ग्रुप में मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जीरो, एक भी नहीं, जीरो। तो इसका मतलब यहां पर आप सिग्मा ऐसे लिखोगे, जीरो इंटू पॉइंट थ्री फाइव। जीरो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसके साथ कुछ कौन सा और इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई और नहीं। अगर मान लो 3s2 होता, सपोज अगर 3s2 होता तो क्या करते, 2 इंटू पॉइंट थ्री फाइव लिखते कि 1 इंटू पॉइंट थ्री फाइव लिखते? 1 इंटू पॉइंट थ्री फाइव, 1 इंटू पॉइंट थ्री फाइव, 2 इंटू पॉइंट थ्री फाइव नहीं लिखते, 1 इंटू पॉइंट थ्री फाइव। उस ग्रुप में उसके अलावा जितना है, इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया है टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है यार इस पर निकालना है बाकी का फोर्स, ये खुद को थोड़ी ना शील्ड करेगा, ये दूसरे का इफेक्ट फील कर रहा है। तो आपको अगर इस ग्रुप में होता, मान लो ऐसा होता 3s2 3p3 होता, तुमको निकालना होता इस 3p वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ग्रुप में? इसके साथ चार, 4 × 0.35 करते हैं। क्लियर है सर? आप वापस से सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन जिस पर हम लोग को निकालना है, द इलेक्ट्रॉन अंडर आर ऑब्जर्वेशन, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाएगा। उस ग्रुप में उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना का शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड अ शील्डिंग ऑफ 0.35, दैट इज रूल 3। तो सर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस 1 × 0.35। हाँ यस, ओके, उस ग्रुप में जितने, क्लियर है? तो 0.35 कांस्टेंट है के, हाँ दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज एम्पिरिकली डिटरमाइंड। और सर जेड क्या था, एटॉमिक नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, जेड इज एटॉमिक नंबर, जैसा हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल 4 पे आओ। जितने इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस वनथ शेल में है, एन माइनस वनथ शेल मतलब उसके जस्ट पहले वाले, हाँ जस्ट पहले वाला, वो कितना से कंट्रीब्यूट करेगा? देखो रूल क्या बोल रहा है, 0.8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसके जस्ट पहले वाले? 8। ठीक है, और उसके बाद रूल 5 पढ़ाई करो। रूल 5 क्या बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस टू, ये एन वैल्यू है 3 है ना, तो एन माइनस टू मतलब फर्स्ट शेल या उससे लोअर। अब फर्स्ट शेल से लोअर क्या ही होगा, लेकिन जितने भी n माइनस 2 शेल या लोअर होंगे वो सब कितने से कंट्रीब्यूट करेंगे? 1। ये वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है सर? लेकिन 8.8 पेनल्टीमेट शेल का सबसे ज्यादा होता है। हां सर, इसमें तो सर, और इसमें n माइनस 2 का दिखा रहा है सबसे ज्यादा। सर आप पढ़ाते समय बोले थे ना कि पेनल्टीमेट सेल का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स का सर, और उसका 0.85 इसमें, लेकिन उसके पहले वाले का n माइनस 2 का 1 है तो उसका इफेक्ट ज्यादा है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द n माइनस, नहीं नहीं, 2s शेल और लोअर का मतलब ये है, ये मेंस टोटल में 6.8 दे रहा है ना। हाँ टोटल देखो ना सर, लेकिन अगर अगर ये कोई बड़ा है, कोई सेड होता मतलब काफी बड़ा नंबर नहीं, तब भी नहीं होता, अभी आएगा तब भी नहीं होता। अंदर में तो 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ओके, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अंदर में तो 1s ही रहेगा ना। टोटल में देखना है ना, 2 और 6 8 मिला करके एक एम्पिरिकल वैल्यू है ना सर, 6 × 0.8 सर, 6 ठीक है ना। हां बोलो सर, अगर 6th पीरियड में होता तो भी क्या फर्क पड़ता है, n माइनस नहीं तो करने दो, मुझे करने दो। अगर 6th पीरियड में भी होता तो पूरा का पूरा अंदर में तो पूरा 1 ही ले लेते। इधर देखो, ये क्लियर सर? बुकलेट में दिया है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0.3 वैल्यू है। हां वही वही लिख रहा हूं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.35। ओके ओके, हां वही तो थर्ड स्टेप पे लिखा है, एक्सेप्ट फॉर द वंस फॉर व्हिच वैल्यू इज प्रिंटेड। वो बताऊंगा बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 8.8 आ रहा है। तो व्हाट इज द एक्चुअल जेड इफेक्टिव फेल्ट बाय द ऑटोमोसिटोन? आंसर 11 11 इज
एक्चुअली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना? अच्छा वैसा वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं समझा, नहीं समझा। इसके बाद आप बी का ले सकते हो एग्जांपल। हाँ वही वही सब एग्जांपल दूंगा। देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, जेड इफेक्टिव निकालना है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, जिस इलेक्ट्रॉन पर तुमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसके बाद रूल बोलता है उनको ग्रुप कर लो। और अगर जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको निकालना है अगर वो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल का हुआ तो आप वो रूल लगाओगे। पहला रूल क्या है, उस ग्रुप में उसके साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना लोगे, 0.35। उसके बाद जितने भी अंदर वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन नेट कितना लोगे, 0.85। और एन माइनस टू शेल, ये अरे ये एनएच शेल है ना, ये एन माइनस वन एच शेल है, और ये कितना शेल है, एन माइनस टू। इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन कितना लोगे, वन। क्लियर है, ठीक है। एम्पिरिकली डिटरमाइंड। हाँ बोलो। एक लास्ट डाउट सर, जो इनर मोस्ट जो शेल है उसका रिपल्सिव फोर्स कम है आउटर मोस्ट से, फिर भी उसका वन क्यों है, मतलब मैग्नेट वो समझ में नहीं आया। नहीं वो एक्चुअली में देखो है क्या, एक तो ये पूरा एम्पिरिकली डिटरमाइंड है, तो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉजिक दैट यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर। Okay, ये हाँ ये पहली मैंने बताया कि ये एक जुगाड़, मैंने इसलिए नाम ही बोला था, दिस इज एम्पिरिकली डिटरमाइंड, सब कुछ ले करके उसने एक चीज निकाला है, दिस इज नॉट टू बी डन विद अ लॉजिकल मैनर, वो नहीं दिखाई पड़ेगा उतना लॉजिक इसमें, दिस इज जस्ट एन एम्पिरिकल एग्जांपल। दे सकते हो? हाँ बताओ जेड का। हाँ दे देता हूँ, जैसे मान लो फाइव कर करते हैं, मान लो मेरे पास क्वेश्चन आता है, लिखते हैं पहले जिंक का क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन साथ में करो, 1s, 4s2। ये क्लियर है? अच्छा मान लो मुझे 4s पर निकालना है, पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग कैसे करोगे, क्लियर है? अच्छा चलो पहले निकालते हैं 4s पर, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस 4s ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर टू, दो। इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को अपना क्या मान लेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपना क्या मान लेंगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट जिस पर निकालना है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या लेंगे, उस ग्रुप में ये NH शेल है, N का वैल्यू यहां पर कितना है, 4। अच्छा 4 सॉरी। तो उस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ, एक और है, एक, 1 × 0.35। सर वो क्वेश्चन लास्ट रूल क्या बोलता है सर, क्वेश्चन में वो 3d के पीछे क्या लिखा है, 4s एंड एक पार्ट 4s में निकालो एक बार 3d में निकालो। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन दे देगा ना किस पर निकालना है। अनमोल 3d इसीलिए ग्रुप में नहीं है बिकॉज उनका शील्डिंग पावर अलग है, इसीलिए ग्रुप में नहीं है ना, अच्छे शील्डर्स हैं ये, पुअर शील्डर्स हैं, ठीक है। तो सर डी और एफ एक ग्रुप बनाएगा आगे जाकर के, बट एफ तक उतना आता नहीं है। फाइव है, देखो 5d 5f भी एक ग्रुप में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डी और एस पी और उतने अच्छे ग्रुप में नहीं है। अब डी और एफ भी एक लेवल के नहीं है, पुअर दोनों, डी और एफ भी नहीं निकला उन्होंने ग्रुप के एग्जांपल में, 4d और 4f। हां 4d और 5f देखो अलग-अलग है, जरूरी नहीं है। देखो अब ध्यान से, दिस इज पहले ही, दिस इज हाईली एम्पिरिकल, दिस इज नॉट That logical, फिर से बता दिया मैंने स्टार्टिंग ही बताया ना, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, बहुत जगह तो क्या बोलूं फेल भी हो गया, वो भी याद रखना है। हाँ ये वैल्यूज याद रखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो रूल क्या बोलता है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट, राइट में तो कोई है ही नहीं, एन एस एन बी का ले लिया, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन माइनस वन एच शेल,
कितने हैं n इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.85, दो और छह आठ दस, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n माइनस 2s शेल और लोअर, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा? और लोअर भी तो फिर 10 होगा, लोअर जितने भी हैं, लोअर में तो 1s भी आ जाएगा, 2 टू 10, कितना आ रहा है वैल्यू? 25.65 रुको रुको सुनो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, रूल से चलना है, रूल से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स nth फोर शेल में जो है उसका ले लिया, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n माइनस 1th शेल में कितने हैं? 18, बस इनको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। फिर बोलोगे सर ग्रुपिंग का क्या मतलब है, बताते हैं ग्रुपिंग का मतलब आएगा। हाँ बोलो सर, पर रूल में तो d का वैल्यू 1 दिया है, एम्पिरिकल d का n माइनस 1 d बुक में कहाँ दिया है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स में तो जो रूल, कौन से रूल में बता कर रहा? अरे हमने एस लिया है ना, टेस्ट एस लिया है ना यार, तुम आगे मत पढ़ना, ये एस इलेक्ट्रॉन का रूल है ना, वो डी के लिए है ना, ठीक है। ये कितना आ रहा है वैल्यू? 25.65। व्हाट इज द जेड इफेक्टिव एक्चुअली फेल्ट, कितना होगा? 4.35 30 माइनस। अब देखो मान लो अगर क्वेश्चन आता है सर 3D ऑर्बिटल में निकालिए Z effective. सर मेरे को एक डाउट था ऊपर वाले। हाँ बोलो क्या? सर n minus 2 तो खाली 2 और 2s और 2p orbited होगा ना, तो 10 कैसे? n minus, देखो रूल देखो, all the electrons in the n minus 2s or lower, or lower, okay sir, sorry. ठीक है, Z effective on 3d electron अगर पूछा जाए, 3d electron, देखो ध्यान से, मतलब ऐसा पूछा गया कि 3d electron वाला actually में कितना experience कर रहा है, तो फिर से क्या करेंगे? लॉजिक का दिमाग ना लगाएं, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज हाईली एक्सपेरिमेंटल सर, ठीक है, ऐसे कर लिया सर। हाँ सर, आप बोल रहे हो कि जो 3D है उसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन, वो फोर्थ रूल अप्लाई कर रहे हो ना? हमें अप्लाई कर रहा हूँ, यस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सर, पर पीछे दिया है कि फॉर डी और एफ इलेक्ट्रॉन द रूल्स रिमेन सेम। हाँ तो अभी करने दो ना, अभी डी वाला बढ़ा रहा हूँ ना, अभी रुको ना, रुको ना, अभी ये क्लियर है। अब देखो मुझे 3D पर करना हो, पहले क्या करूंगा? पहले ग्रुपिंग कर दिया, अब मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 3D पर निकाल, 3D, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन और नौ। हाँ, अब देखना पेज 161 पर आओ, ये इलेक्ट्रॉन मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल। तो रूल देखो क्या बोलता है, फॉर डी और एफ इलेक्ट्रॉन रूल्स 1, 2, 3 रिमेन सेम। मतलब पहला रूल क्या है? पहला रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, मैंने लिख दिया। रूल टू क्या बोलता है, उनको ग्रुप कर दिया, ठीक है। रूल टू क्या बोलता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट टू द ग्रुप हैं, तो 4s वाला इसका कंट्रीब्यूशन क्या लोगे? जीरो, कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट। उसके बाद रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल भी सेम रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स एनएसएनपी ग्रुप में है कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.35, ठीक है। फोर्थ वाला गेट रिप्लेस्ड बाय रूल 6। इसका क्या मतलब, देखो ध्यान से, जितने इलेक्ट्रॉन्स अब हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ उन सब के लिए अब सीधा 1 कर दोगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप में उसके साथ हैं उसके लिए कितना लगाओगे?
उनके लिए कितना का लगाओगे पॉइंट पॉइंट ग्रुप में, तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ सी डी के साथ 92.35 और जितने भी अंदर में है जितने भी अंदर में है उन सबके लिए कितना कर दोगे वन कितने अंदर में देखो तो 6+2 18 into 1 कितना आ रहा है 21.15 जेड इफेक्टिव 8.85 तो जेड इफेक्टिव कितना फील कर रहा है बताओ 8.85 अब सबको समझ में आया पार्ट कैसे करना है यस सर सर वो 18 कैसे आया मतलब डी और एफ को अलग रूल्स होते अंदर में अगर डी वाला मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर में उस ग्रुप में जितने हैं उसका 0.35 ले लेना और अंदर में जितने हैं अंदर में कितने हैं 6+2 18 को सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देना ओके ओके ये क्लियर है सबको सर तब बोलते जेड जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन से तो हम लोग को एक ही लेना है ना 3D में होगा तो उनका भी तो कुछ इफेक्ट तो होता ही है इफेक्ट तो होता ही है ना नहीं थोड़ा बोला था बोला इफेक्ट तो होता ही है सब एक दूसरे को शील्ड तो करते ही है ठीक है ये क्लियर है सर अगर ये एस या पी ऑर्बिटल का होता तो अंदर के सारे मतलब 0.85 और फिर उसके आगे 1 हर के जैसे मान लो चल लेते हैं क्लास केस कर ही लेते हैं मान लो जेड इफेक्टिव आ जाता है मान लो तुम्हारा 3p इलेक्ट्रॉन पर निकालना है तो बताओ इस 3p के साथ ग्रुप में कितने लोग प्रेजेंट है 7 तो 7 × 0.35 करते प्लस N-1H शेल में कितना है 8 तो 8 इंटू क्या करते हैं 0.85 और अंदर में कितना है 2 ये करते हैं कितना आंसर कर लो कितना आंसर कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा बताओ वो 7 कैसे आया अरे 2+6 = 8 है तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया ना तो उसके साथ एक छोड़कर कितने बचे हैं उस ग्रुप में डी और एफ को हाँ डी और एफ का 10.5 आ गया तो कितना का जेड इफेक्टिव फील कर रहा है नहीं सर एक सेकंड सर सर रूल्स के हिसाब से बता दो ठीक है समझ आ जाएगा 30-σ करना है सर डाउट है इस सारे फाइनल वैल्यू में यूनिट क्या होता है नहीं कुछ नथिंग दैट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस यूनिट्स ऐसे समझो कि इतना प्रोटॉन का अगर इतना होता तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू इतना प्रोटॉन्स नो यूनिट एज सच रिलेटिव स्केल पे हम लेते हैं हां रिलेटिव स्केल पर देखते हैं अगर इतना प्रोटॉन का होना चाहिए था तो उसके हिसाब से इतने प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई यूनिट नहीं लगाते हैं 11.25 आ रहा है 11.25 कर लेना वो बाकी ये सबको समझ में आया पार्ट अभी क्वेश्चन तो कर लोगे हाँ सर एक क्वेश्चन तो हाँ क्वेश्चन देता हूँ ठीक है स्क्रीनशॉट लो नहीं सर फाइनल आंसर तो उसको सबट्रैक्ट करके फिर 18.75 ये 11.25 आ रहा है ठीक हाँ फाइनल 18.75 होगा 18.75 हाँ तो आगे बढ़ो स्क्रीनशॉट ले लो यस सर अच्छा पहले एक मेरे साथ सिंपल सा क्वेश्चन करो पहले तो एक काम करते हैं लिथियम पे निकालो तो जेड इफेक्टिव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अच्छा अगर कुछ नहीं मेंशन किया और जेड इफेक्टिव पूछ रहा हो तो बाय डिफॉल्ट किस पर निकालना है आउटरमोस्ट अगर कुछ नहीं दिया हो और क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम तो समझ लेना आउटरमोस्ट ही निकालना है बताओ 1.7 आ रहा है अच्छा कितना आएगा 1:2 ना जेड इफेक्टिव बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव कितना है बताओ सर 2 मिनट
हाँ सर वही आ रहा है. सिग्मा कितना आ रहा है? 1.7 आ रहा है. और जेड इफेक्टिव 1.7 आ रहा है. यही मैंने लिखाया था कि नहीं सिग्मा 1.7 आ रहा है और जेड इफेक्टिव 1.3 होगा. यस ओके सिग्मा 1.7 था, जेड इफेक्टिव 1.3. अच्छा तो उसको चेंज कर लेना, जेड इफेक्टिव 1.3 था उसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना. मैं जेड इफेक्टिव की बात कर रहा था, इट इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अ चार्ज ऑफ 1.3. ठीक है खैर अब आगे बढ़ते हैं. मुझे मैग्नीशियम पर बताओ क्या होगा जेड इफेक्टिव. आउटमोस्ट. हाँ आउटमोस्ट 2.85. कैसे करोगे मैग्नीशियम का बताओ. सर Na पर 0.65 ऐड करके ऐसे करोगे. सिग्मा कैसे लिखोगे? सिग्मा 1 × 0.35 8 × 0.85 और प्लस कितना 1 × 2. यस कितना रहा वैल्यू? 9.15. तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा बताओ. क्लियर है सबको निकालने? क्लियर है. चलो एक और करो सब लोग, एक काम करते हैं थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. सर जो मॉड्यूल में लिखा है लेफ्ट से राइट में 0.65 से इंक्रीज हो रहा है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे है ना. हाँ यस ठीक है. अच्छा अभी काम करते हैं, Fe का Z इफेक्टिव निकालो. 1s पर मत निकालना. 1s कितना होता है? 3d10 3d6 4s2 ना. 4s पे निकालो, उसके बाद निकालो 4s के बाद 3d पे निकालो, उसके बाद 3p पे निकालो, 3s पे निकालो, 2s पे निकालो, 2p पे निकालो और 1s का केस मैं बताऊंगा. 1s का केस सर अगर हम क्लोरीन ले तो क्लोरीन पे जो एक्सेप्शन है वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे. हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वाला लिखना है जो नॉर्मल आप पढ़ाई किए हो. सर Fe का एटॉमिक नंबर क्या है? 26 ना. सर 3d6 पे एंड होएगा ना. 3d6 4s2 होता है ना, लेकिन लिखना सर. पूरा पड़ेगा याद है, करो ट्राई करो. सब पर निकालो ठीक है ना. 4s 3d 3p 3s 2s 2p 1s. 1s वाला केस मैं करूंगा. 1s वाला केस तुम छोड़ सकते हो मेरे पर. हमको विला टू ग्रुप इट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ना, शेल नंबर के 1 2 3 4. तो 4s पहले आएगा. मतलब तुमको तो किसी पर निकालना है तो ओ ऐसे लिखते समय तो ऐसे ही करोगे ना. देखो 1s2 भरते समय ये आता है. रुको ध्यान से रुको. अरे भरते समय 4s पहले भरते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4s पास आ गया, 4s दूरी पर ही है. ग्रुप सर आप चैट को ओनली एवरीवन को बंद कर सकते हो, नहीं तो आंसर आएगा. सर 3d6 होगा ना. हां सर 3d. हां सॉरी हां उसको 3d6 कर देना था. टोटल कितना टाइम दे रही है क्वेश्चन सॉल्व करने को? करो ना अभी आराम से, 5 मिनट दे रहा हूँ सब करो. 5-10 मिनट लो ठीक है. आंसर सही से निकालो. 10 मिनट लो आराम से.
1s वाला से मैं करूंगा, बाकी सब करिए ठीक है। तो 3p और 3s का तो सेम ही आएगा ना? हाँ वेरी गुड, सेम। तो 1s 2 एक इंडिविजुअल ग्रुप बनेगा। 1s का छोड़ के बाकी करो, 1s का रूल मैं बताऊंगा, 1s को छोड़ के बाकी। तुम लोग का टेस्ट कैसा गया, पूछा ही नहीं तुम लोग से? केमिस्ट्री में एक दो डाउट था सर। केमिस्ट्री में ठीक है पूछना सर, सबने अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके ओके तब मत पूछो सर, 16 नवंबर तक है। ओके हुआ सबसे, और 10-5 मिनट चाहिए सर। हो गया, बस आंसर्स लिख के दे रहा हूँ, 2 मिनट बस। सर भेज दिए आंसर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भेज दो, आंसर लिख दूं? हाँ सर, आंसर लिख दो। चेक, ठीक है सर, पीछे जाना सर, स्क्रीनशॉट बाकी है। ओके मेरे पास डेटा है, आंसर तो मेरे पास, तुम लोग चेक कर लेना, मैं डेटा लिख देता हूँ, सी सिग्मा लिख देता हूँ, बाकी तुम आंसर देख लेना कि आ रहा है कि, ठीक है। फोर एस के लिए सिग्मा इतना आ रहा हो मेरे ख्याल से, देखो दो, ये सही है,
टेन इंटू वन आएगा, देखो तो यार है 1 × 0.3 या 10 × 0.3 सर, 1 × 0.3 फोरेस के लिए कितना 1 × 0.3 हाँ सर, फोरेस टू होता है ना, तो एक टेस्ट हुआ तो एक ही तो बाकी होगा। ओह सॉरी मैंने वो सर आपने ऑर्डर उल्टा लिख दिया। हाँ मेरे को हाँ कितना होगा 1 हाँ सर 1 × 0.3 हाँ 1 × 0.35 ना ठीक है, समझ में आ गया सबको। 3D के लिए कितना होगा बताओ, 3D के लिए होगा 9 × 0.35 + 8 × 0.85 ना 8 × 1 क्लियर है 3S 3P के लिए इतना आ रहा होगा, देखो तो 7 × 0.35 + 8 × 0.85 + 2 × 1 3S और 3P दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना? नहीं सर 3S के लिए तो वो 3P वाले मैटर ही नहीं करेंगे। अरे सेम टॉप ऑफ दैट ग्रुप, उसी ग्रुप में है ना राइट, मतलब ऐसा तो नहीं। हां सर समझा। हाँ सर 2S 2P के लिए भी आंसर ये आ रहा होगा 2 × 0.85 + 7 × 0.35 आ रहा होगा, चेक करो तो। यस यस हाँ सर सर क्लियर है। अच्छा सिर्फ 1S के लिए यहाँ पर रूल थोड़ा चेंज है, वापस उस बुकलेट पर अगर आओगे तो सिर्फ 1S के लिए हम 2P को भी गिनेंगे। हाँ जो रूल वही बोल रहा है ना 1S है और 2S 2P है। तो आप 3D एक्सप्लेन कर सकते हो 18 × 1 कैसे आएगा? ठीक है अच्छा कैसे लिखेंगे 1S 2 सर उधर 0.85 क्यों नहीं आया? हाँ सर वही, अरे 3D में बोला ना n-2 और n-3 में सबको एक मिला के एक ही 1S 2 देखो ना रूल हम लोग किए हुए हैं 3S। हां ठीक है सर समझ गया, समझ गया ना ये करना पड़ेगा, समझ गया ना? समझ गया समझ गया ठीक है। चल अब देखो 1S के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, 1S का रूल में थोड़ा सा आप लोग को देखो वो जब 1S है तो वहां पर एक रूल है, देखो कहीं लिखा हुआ है कौन सा पार्ट कि आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है अगर सिर्फ 1S है तो। देखो कहां पर लाइन लिखा हुआ है खोजो तो, पेज 160 पर आओ। हाँ सर वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के हाँ 1S ऑर्बिटल अगर आया तो वैल्यू सिर्फ 0.3 लोगे। तो अगर तुमको 1s2 पर देखा जाए, सिर्फ 1s2 ही है आगे कुछ नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना लोगे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सिर्फ 0.30 बस इसको याद रखना। तो इसलिए लास्ट वाला जो था जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछेगा हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव निकालो तो 0.3 Yes. तो सर ये constant हो गया 1s, 1s के लिए constant रहेगा 1s के लिए, तो इसका मतलब 1s के लिए answer is sigma is 1 × 0.3। ये समझा सब लोग, इसको थोड़ा चेंज कर लेना वहां पर helium वाला वापस बताओगे मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन हो तो आपके रूल में लिखा हुआ है except for 1s take the value of 0.3 तो मतलब सिर्फ 1s हो तो 0.3 लेते हैं। हाँ सिर्फ 1s अगर हो, जैसे हीलियम क्या है अगर हीलियम का एक न्यूक्लियस है इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को ही अप्लाई। हाँ हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेगा नहीं और हीलियम के लिए अप्लाई करेगा और नहीं तो अगर सिर्फ 1s पर ही पूछ रहा हो कि 1s पर बताओ जेड इफेक्टिव कितना है 1s पर, जैसे यहाँ भी 1s पर पूछा तो 1s पर जब ग्रुपिंग बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0.35 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 0.3 लेंगे, बस इतना याद रखना, ये थोड़ा स्लाइड चेंज है 0.3 लेंगे। तो हीलियम के लिए कोई पूछेगा कि हीलियम का ये इलेक्ट्रॉन
अरे शिवेश मैंने क्या बताया, इज दिस नोट्स पढ़ो, अभी जस्ट बताया ना, क्या हाइड्रोजन का कोई शील्डिंग कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? बताया ना मल्टी इलेक्ट्रॉन किसका कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्यों पूछ रहे हो क्या है उसका? ठीक है, तो इसका पॉइंट थ्री है, पॉइंट थ्री अगर आएगा तो दिस इज सिग्मा, तो हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1.3. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है सर एफ के लिए क्या होगा सर? कोई म्यूटेड है हाँ बोलो सर, आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजा नहीं हां लेना, हां ठीक, ये क्लियर है पहले यहां तक सर? एफ के लिए 1s का जेड इफेक्टिव क्या होगा? एफ हर एक के लिए 1s पूछा तो हर एक के लिए जेड इफेक्टिव कितना लिखेंगे? 26 - 0.3 होगा ना तो 26 - 0.3 25. तो बाकी लोअर वाला नहीं लगेगा, 2s 2p के लिए पूछ रहे हो ना? हाँ यस, 2s 2p के लिए नहीं लगेगा ना, n माइनस टू नहीं लगेगा, यस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले इसका ले लो, सिक्स वाला ले लो, भेज दो तो मान लो मैंने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 यहाँ तक ठीक है? हाँ. इसको ग्रुपिंग कर दो यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं? टू द राइट का तो कुछ लेना नहीं है. हाँ. इस ग्रुप में इसके साथ खुद कितने लोग हैं? 5 into 0.35 और अंदर में जितने ग्रुप्स हैं सबको एक साथ कलेक्ट कर लो, 6 + 2 8 + 6 14 + 2 18 इंटू क्या कर दोगे? 1. समझा? हाँ. अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे सब लोग? हाँ जरूर सर. ठीक, बहुत जोर से जरूर चिल्लाया. ठीक है चलो अब चलते हैं. सर अब एक मिनट लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा. हाँ जाता सर. सो इस एमजी वाले के बाद हमने एमजी का ये फाइल किया ना, 4s और 3d? नहीं नहीं रे, एफ का था ना. ओके हां तुम क्वेश्चन भी ऐसे. Is this the reason why वो electron collapse नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे 25.7 लगेगा, अगर 26 का side effective लगता तो वो collapse हो जाता electron nucleus में. बोल सकते हैं, but actually में model तो पहले बना है, उसके बाद ही ना side effective आया होगा. अच्छा. model तो पहले बना होगा, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ऐसा चीज है, लेकिन पहले तो model ही बना है. सर एक doubt है, आपने 3d को ऐसा अलग group क्यों लिया? देखो एक तो 3D का ग्रुप लेने का है तो इम्पेरिकल, तो लॉजिकली स्पीकिंग कुछ ऐसा तो इसने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया. हाँ. इस पूरे ने, इस लेटर ने, लेकिन जो दिमाग में थोड़ा बहुत लॉजिक आ रहा है वो यही आ रहा होगा कि 3D का जो शील्डिंग का जो एबिलिटी है वो बाकी लोगों से थोड़ा कम है ना, पुअर है ना. हाँ. तो पुअर है तो उनको अलग ग्रुप में डाल दिया कि भाई तू अलग ग्रुप में रह. तो हम 3S और 3P को एक ग्रुप लेते हैं और 3D को अलग ग्रुप अलग ले लेते हैं. okay. ये उही लॉजिक में दिया होगा एक्चुअली. हाँ. उसने कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. नो बुक हैज गिवन एनी एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट इज हाईली एम्पिरिकल. ओके, कोई लॉजिकल तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये किया होगा. ओके ठीक है. okay. चलो ये क्लियर है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो आता है तुम लोगों की लाइफ में एटॉमिक रेडियस. ठीक है, और देखो एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट रेडियस. एटॉमिक रेडियस का तो एक्चुअल में दिमाग में नोशन क्या आता है, एक एटम पकड़ो सर, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का रेडियस ले लो, खत्म, मेजर कर लो. तो लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन the exact radius of the atom.
दिमाग में तो यही आता है ना कि सर ऐसा ही काम कर लो ना, क्या इतना यही एटॉमिक रेडियस होगा। और इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। देखो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि जो साइज है, एक तो एक एटम का साइज बहुत स्मॉल है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप एक एटम उठा तो सकते नहीं हो, हाथ में उठा लिए सर मेजर कर लिए स्केल से, तो दैट इज वन प्रैक्टिकल रीजन विच इज वेरी मच ऑब्वियस कि साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। बट देर इज इवन वन मोर फैक्टर टू इट। हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन के होने की बस क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्या इलेक्ट्रॉन कहीं फिक्स्ड बाउंड्री पर है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब यहां होने का बस प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग देखा जाए जैसा हाइजेनबर्ग ने बताया था, एक एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री है ही नहीं। एटम डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो जब बाउंड्री लाइन खींचोगे तब ना तुम बोलोगे सर कोई रेडियस डिफाइंड होगा, लेकिन वैसा है नहीं। इनफैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो कभी भी जीरो नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन तो मिल जा सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी ने सर्टेनली नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं होगा, हाँ उधर होने के चांसेस कम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। अगर हाइजेनबर्ग के मॉडल से चलें, इवन एट लार्ज डिस्टेंस, सबको ये बात समझ में आया? तो उस शेल के लिए वैसे हुआ ना, उस शेल ऑर्बिट, हाँ ठीक है ना, सिंपल एक एटम है। हाँ बोलो, उसमें मतलब उस शेल या उस ऑर्बिटल में ही प्रोबेबिलिटी है, फार्देस्ट और मतलब नियरेस्ट पॉइंट के लिए ना। हाँ ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब हम लोग देयरफॉर एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए हम लोग एक इनडायरेक्ट मेथड निकालते हैं। अब कैसे निकालता है, ठीक है। अच्छा दिखता क्या होगा साइंटिस्ट लोग को, साइंटिस्ट लोग को न्यूक्लियाई दिखता है, ठीक है। और फिर से अभी जितने मेथड्स बताऊंगा दैट इज ऑल जुगाड़। अगेन जुगाड़ समझते हो, एकदम टेक्निकली करेक्ट नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, वी हैव टू एटलीस्ट असाइन सम वैल्यूज। अगर ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम आ ही गया है कि एटॉमिक रेडियस बताना ही है, तो दिस एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय सम अदर मेथड। नाउ व्हाट इज दैट मेथड, देखो कोवेलेंट रेडियस, बहुत डिफरेंट टाइप्स के रेडियस होते हैं, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। ये समझा, जैसे कि अगर मान लो किसी को हाइड्रोजन का निकालना है उसका एटॉमिक रेडियस, तो उन्होंने एटम को नहीं लिया, उन्होंने किसको लिया, उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई मान लो ऐसे आप आगे देखोगे बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। हाँ अभी बताएंगे आदित, उसका बताएंगे। ये दोनों क्या हैं? ये रेड वाले क्या हैं? न्यूक्लियाई हैं। इनके बीच में डिस्टेंस फिर भी साइंटिस्ट लोग पता लगा सकते हैं। एक्चुअली में यहां बाउंड्री क्यों डिफाइंड है, व्हाई इज द बाउंड्री डिफाइंड है, बिकॉज न्यूक्लियाई इज डेंस मास, न्यूक्लियाई दिखता है। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं ये, हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं
और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो रेडियस है इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, को एक अलग नाम दिया गया है कोवेलेंट रेडियस। वो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने बोला कि ये जो डिस्टेंस डी है इसी डी को दो से डिवाइड कर दो और इसी डी को डी बाई टू को हम लोग बोल देंगे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस। सबको समझ में आया पार्ट? लेकिन हमने तो ये फाइंड आउट किया था ना 0.529 एंगस्ट्रॉम था, वो तो प्रोबेबिलिटी मॉडल है ना, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रॉब्लम, वही तो सबसे बड़ा लोड है ना। सर ये हाफ डिस्टेंस हाइड्रोजन वो एटम का रेडियस है। हाँ, एक एटम का रेडियस हम लोग ने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0.529 डिस्टेंस पर, ज्यादा मैक्सिमम है, ये थोड़े ना है कि वही उसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस का मतलब तो कहां तक फैला हुआ है ना, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन का तो बाउंड्री फिक्स ही नहीं है ना, उसके हर जगह पर होने की बस क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी। कहीं एक जगह मैक्सिमम है, वो कितने डिस्टेंस से मैक्सिमम था 0.529, बट उसको रेडियस नहीं बोल सकते ना टेक्निकली स्पीकिंग। ये तो कहीं यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है, हर रीजन से प्रोबेबिलिटी है, हर रीजन में प्रोबेबिलिटी जो 0.529 है वो है मतलब जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। हाँ, मैक्सिमम वो ज्यादा उस समय रहेगा, बट ऐसा नहीं है ना। एक तो वही तो सबसे बड़ा लोड है कि ये प्रोबेबिलिटी पिक्चर है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेकर अगर अपना डेफिनेशन करें तो फिर ऐसे ही फंस जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का तो कहीं भी आप नहीं कुछ बोल सकते। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जुगाड़ मैंने फिर से बोल रहा, टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा एरर तो आएगा, थोड़ा एरर तो है, लेकिन देर इज अ वे आउट, और कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग बोले न्यूक्लियाई तो दिखता है, न्यूक्लियाई का तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, दो न्यूक्लियाई तो दिख रहे हैं, ये दोनों तो डेंस मास है, एक जगह दिखेगा। एक काम करते हैं, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको दो से डिवाइड कर देते हैं और इसी को चिपका देते हैं, इस एटम का एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। सो मतलब जो एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है तो उनका मतलब रेडियस नहीं निकाल सकते क्या? हाँ, उसका निकालेंगे। यस, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नया आया कि सर ऐसा तो ठीक है इसके लिए तो, हाँ अक्षय वो भी है, वो बोर मॉडल के लिए है। यस, वो एक एटम के लिए है। अच्छा इधर देखो एक और चीज, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जैसे आता है, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हाइड्रोजन का ये आता है कितने पर, ये आता है 74 पिकोमीटर पर, तो इसका कितना लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस? कितना लिखेंगे? 74/237। तो उन्होंने क्या किया, हाँ उन्होंने बोला एक हाइड्रोजन के एटम का रेडियस 37 पिकोमीटर होगा, सब लोग मान लो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है, इज दिस टेक्निकली स्पीकिंग 100% करेक्ट? नो, ऑब्वियसली डायग्राम दिखा रहा है सर उतना करेक्ट डेटा तो नहीं है, बट मैंने फिर ही बता, हाँ थोड़ा सा तो एरर है। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब प्रॉब्लम आता है सर, बहुत सारे तो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं कोवेलेंट, जैसे कि कौन से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अब क्या करें जो बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं सर, जैसे मेटल, हाँ मेटल्स, अब उनके लिए क्या किया जाए सर? तो वहां भी एक जिगाड़ लगाया इन्होंने, उनके लिए सबसे पहले मेटल्स के लिए क्या नाम दिया, मेटल्स के लिए कौन सा नाम दिया, मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस में क्या किया इन केस ऑफ मेटल्स, अब आप एक केमिकल बॉन्डिंग में करोगे, मेटालिक बॉन्डिंग विल बी डूइंग दिस, अगर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा और मुझे लग रहा है मैं तो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस में इन केस ऑफ मेटल्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, लेकिन यहां कोई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं है। आप केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में करते हो कि हाइड्रोजन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, यहां पर क्लोजली पैक्ड होता है एंड दे आर हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड्स। इसको बोलते हैं, यहां पर जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और ये जो क्लोज पैकिंग होता है, द क्लोज पैकिंग ऑफ द मेटल एटम्स, इसको एक नाम दिया गया है, दिस इज नोन एज मेटालिक लैटिस।
ये सब टर्म्स आगे आएंगे, मेटालिक लैटिस बोलते हैं इसको जो क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस को डिफाइन कैसे किया उन्होंने, साइंटिस्ट लोग ने बोला कि अब यार ये प्रॉब्लम तो है, एक काम करते हैं, मेटालिक रेडियस इज टेकन एज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the two neighboring atoms of a molecule, sorry, of a metal, यहाँ पर metal बोलना ज्यादा better होगा, in a metallic lattice. ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ऐसे टाइप का पैकिंग होता है, इस पैकिंग को क्या नाम देते हैं, दिस पैकिंग इज नोन एज लैटिस। तो उन्होंने क्या किया है, काम करो किसी दो न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस निकालो, ये अगर डी है आप कैसे डिफाइन कर दो मेटालिक रेडियस को, डी बाई टू। टेक्निकली स्पीकिंग क्या ये भी पूरी तरह से सही है क्या, नहीं सर अप्रोक्सीमेट, हाँ डिस्टेंस है, वही मैंने बोला एकदम एकदम टोटल जुगाड़, मतलब एकदम जुगाड़ टेक्नोलॉजी नाम ही दे रहा हूँ, इसका कोई तरीका नहीं है, ये सबके सब आपको मेटालिक लैटिस में कम से कम ये पैकिंग दिखता है। हाँ आदित्य उस पर आ रहा हूँ, नोबेल गैसेस का आ रहा हूं, तो उसमें आपको पैकिंग दिखता है, तो बोला कि इस पैकिंग को उठाओ, स्क्रीनशॉट ले लो भेज दो, और इस पैकिंग में ही जो मेटालिक रेडियस है इसी को उठा करके डाल दो। एक चीज तो दिख ही रहा होगा यार, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में जनरली कौन सा डेटा ज्यादा आएगा, मेटालिक रेडियस ही ज्यादा आएगा, दिख ही रहा है, दिखा ही दूंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ू, 8 देखना है, 8 स्क्रीनशॉट मिल गया होगा कैसे, देखो हाँ सर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ना, चलो अब देखो, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन कौन क्रिएट किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया नोबल गैसेस। यार नोबल गैसेस के साथ बात यह है कि बाकी लोग तो फिर भी कुछ बॉन्ड बनाते हैं, ये तो एकदम पूरे पीरियोडिक टेबल के ऐसे लोग हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया कि अब इन लोग का क्या किया जाए, नोबल गैसेस का क्या किया जाए। देखो इन्होंने क्या किया है, ठीक है देखो, नोबल गैसेस के लिए जो टर्म डिफाइंड है उसको बोलते हैं वैंडर वॉल्स रेडियस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स of the substance belonging to two neighboring molecules in solid state। एक तो देखो क्या किया, गैसेस को बोला भाई पहले तो पास आओ, उनको पहले किस में कन्वर्ट किया, उनको सबसे पहले सॉलिड में कन्वर्ट किया, बोला कि पहले तो पास आओ। हाँ अनमोल वेरी गुड, एटम्स आर इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको सॉलिड स्टेट में लाया, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में हो सकता है ऐसे बहुत सारे नोबल गैसेस हैं, सब अलग अलग हैं,
इनमें से सबसे सबसे क्लोजेस्ट जो होगा, सबसे क्लोजेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट जो भी है, ठीक है, इस क्लोजेस्ट को उन्होंने मेजर किया, तो लिखा भी है टू एडजेसेंट एटम्स, ठीक है, और इसी को क्या डाल दिया, डी बाई टू, मतलब बोलने का मतलब, हाँ मेटालिक रेडियस जैसा ही थोड़ा बहुत हो गया, बट मेटालिक रेडियस में जितना सॉलिड स्टेट में क्लोज रहते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस में कुछ भी कर लो, नोबल गैसेस हैं, उतना पास नहीं रहते हैं, ये मैंने पास उतना दिखाया है, बट ऑन जब एक्सपेरिमेंटली वैन डर वाल्स गैसेस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो उतना पास नहीं आते जितना कि ये मेटालिक, मेटालिक में तो बॉन्ड है यार, वो तो पहले से बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, तो वहां तो बॉन्ड नाम दिया गया, ये लोग तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ये तो सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो इनको तो सबसे पहले बोला जाए कि यार तुम लोग सामने आओ, जितना सामने आ सकते हो तुम लोग पहले से एक थोड़ा सामने आओ, उसके बाद जब एक बार सामने आ गए तो उसके बाद देखते हैं क्या करोगे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा और इस मेथड में सीख ही रहोगे, दिस इज महाजुगाड़, मतलब जुगाड़ों का बाप, इसमें तो कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ भी, उन लोगों को लाया उनको बोला डालो, एरर का एरर है, खूब सारा एरर है, कुछ नहीं किया जा सकता है, और इसी को उन्होंने क्या बोला, वैन डर वाल्स रेडियस। हाँ बोलो, ये डिस्टेंस भी कौन से भी दो एटम्स के बीच का, नहीं नहीं नहीं, बिटवीन द टू एडजेसेंट, टू मोस्ट एडजेसेंट, आपने मॉलिक्यूल्स दिखा है, हाँ नहीं नहीं, एक टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द, ओके ठीक है, लिखो इसको, एक्चुअली में वैन डर वाल्स रेडियस जो है, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, जैसे सीएल टू के लिए भी डिफाइंड है, इसलिए लिख दिया हूं, लिख लो, लिख ही देता हूं, रुको, वैन डर वाल्स रेडियस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल भी हो सकता है सर, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, हाँ डिफाइंड हो सकता है, यस, जैसे ऐसे मान लो सीएल टू सीएल टू है, तो ये डिस्टेंस देख लेंगे, लेकिन हाँ वैन मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या डिसाइड हो सकता है, एट को मॉलिक्यूल सीएल टू के लिए क्या क्या डिफाइंड हो सकता है, एटॉमिक रेडियस भी डिफाइंड हो सकता है, और क्या डिफाइंड हो सकता है, हाँ वैन डर वाल्स भी, लेकिन वैन डर वाल्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, आप जो पीरियोडिक टेबल में डेटा देखोगे कौन सा रेडियस है, वो है एटॉमिक रेडियस, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का है, हाँ दो मॉलिक्यूल के बीच का, बस सर वो टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स मतलब यही 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 वाला, हाँ यही मैंने लिखा रखा, ठीक है, तो मैं तो मैंने कंप्लीट डेफिनेशन दे दिया, कंप्लीट, ओके, इसके लिए भी डिफाइंड है, लेकिन नोबल गैसेस के लिए कौन सा रेडियस रिपोर्ट होगा, वैन डर वाल्स, हाँ नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स ही रिपोर्ट होगा, और वैन डर वाल्स रेडियस जो है बाकी के लिए भी डिफाइंड है, आप बोल सकते हो, लेकिन आप जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन कुछ लिखा होगा, वैन डर वाल्स रेडियस नहीं है, ऑब्वियस बात है, इतना एरर क्यों लें यार, डिफाइन तुम कर दिए, सबके लिए डिफाइन कर दो, फिर आप इतना, जब तुमने वैन डर वाल्स रेडियस नाम का एक टर्म, इतना एरर वाला टर्म डिफाइन कर ही दिया, दो लोग को उठा करके जितने भी डिस्टेंस है कर दिया, तो इसके लिए भी डिफाइन कर दो, लेकिन इसके लिए हम लोग के पास एक बेटर टेक्नोलॉजी है, ये बॉन्ड बनाते हैं, तो हम लोग क्यों वैन डर वाल्स रेडियस को रिपोर्ट करें, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट वी बी बेटर इट इफ यू रिपोर्ट एटॉमिक रेडियस, इनके लिए नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स के लिए वैन डर वाल्स रेडियस विल बी बिटवीन द टू क्लोजेस्ट एटम्स यू नो, हां मॉलिक्यूल, हां यस, बिटवीन द टू मोस्ट adjacent atoms of the neighboring molecule को ऐसा कुछ दिखाता हूँ। तो लेकिन हम वैन डर वाल्स का जो radius का जो error है वो हम minimize कर सकते हैं temperature को एकदम ही कम करके ना सर। हाँ तो मैंने solid state कर दिया ना। हाँ सर लेकिन हम तो अभी Bose Einstein condenser भी बना सकते हैं। एकदम उस level पे जा करके शायद measurement थोड़ा problem हो जाए। ये हो सकता है तो उन्होंने शायद किस टेम्परेचर पे किया है बट उस टेम्परेचर पे जा करके शायद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और आ जाएं। देखो इसका दिखाता हूं, ये पेज पे और लिखा रहा हूं, हाँ रुको 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 बताता हूँ, हाँ सॉरी मैंने एक चीज इधर कर दिया,
रुको इसको रुको एक चीज थोड़ा इसका सीशो मत लेना, बताता हूँ इसको थोड़ा ऐसे दिखा, मैंने डायग्राम थोड़ा ये बना दिया उसको चेक कर ले। हाँ क्या है, जैसे कि मान लो सीएल क्लोरीन है ना, तो मान लो एक ऐसा है और एक ऐसा है, हाँ सॉरी, तो यहाँ का और यहाँ का एटम्स के बीच, दिस इज वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। और मान लो ये पहले वो डायग्राम निकाली थी वो रॉन्ग थी, हाँ हाँ वो थोड़ा सा ये है, ठीक है। और ये इसको, हाँ बोलो सर, Cl2 के लिए वैन डर वाल्स रेडियस का एरर ज्यादा होगा ना, मतलब हाँ, और वैन डर वाल्स रेडियस का एरर हमेशा ज्यादा है कि सबसे ज्यादा। ये नोबल गैसेस के लिए क्या करें, वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी, तो हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है इस कैसे कर सकते हैं। अच्छा और इसको कौन सा रेडियस बोलेंगे, दिस बाय टू क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो ऑब्वियस बात है ये एक्चुअल में, ठीक है। और एक और चीज, हाँ लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग ने ये चीज समझा कि कोवेलेंट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रेडियस कौन आएगा हमेशा, वैन डर वाल्स रेडियस, दिस इज लाइक लॉट्स ऑफ एरर, बहुत एरर है इसमें। सर, तो एक मिनट लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। अच्छा आप आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ये जो वैन डर वाल्स रेडियस जो टर्म आया है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अभी केमिकल बॉन्डिंग में आप करते हो, हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और नोबल गैसेस में पर्टिकुलरली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी विल डूइंग दैट इन केमिकल बॉन्डिंग। और ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक फोर्सेस, है ना, दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो सर सबसे कम कोवेलेंट रेडियस में आता है, हाँ सबसे कम, यस कोवेलेंट रेडियस का रहेगा, लिख लो वैन डर वाल्स रेडियस the van der waals forces existing between atoms in the solid state, इनको solid state में लाया गया है, थोड़े पास आए हैं तो इनके बीच में van der waals force of extract है जो थोड़े weak होते हैं, ठीक है। अभी करूंगे हम लोग इसको करेंगे, और atoms large distance पर ही held होते हैं, जो भी मैंने बताया ये मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा पास नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन केस ऑफ एटम्स हेल्ड बाय वैन डर वाल्स रेडियस, VDW मतलब वैन डर वाल्स, ठीक है, आर लार्जर देन दैट बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इसीलिए आप हमेशा क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि वैन डर वाल्स रेडियस क्या ऑर्डर होगा, वैन डर वाल्स रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन मेटालिक, always greater than covalent radius, सबको ये समझ में आया, ठीक है। covalent radius किसके लिए defined है, जो molecules covalent bond बना पाए, metallic radius metal atoms के लिए, van der waals radius particularly किसके लिए, रिपोर्ट सबके लिए कर दो, जब इतना एरर ले ही लियो तो सब में एरर ले लो, लेकिन रिपोर्ट नहीं करेंगे बाकी सब फिर भी बहुत क्लोज रहते हैं, नोबल गैसेस क्लोज नहीं रहते हैं, तो इनको पहले जितना क्लोज ला पाए लाओ, उसके बाद जो डिस्टेंस नेबरिंग है उनके बीच में मेजर कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसी के बाद आते हैं हम लोग जो आर
VWD is greater than, ये क्या error के हिसाब से है या size के हिसाब से? नहीं error नहीं है, size के हिसाब से भी दिया हूँ, लेकिन है ना error जिसमें ज्यादा होगा obvious बात है उसका size ज्यादा है। Okay, ये भी बोल सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं कि error तो सबसे ज्यादा van der Waals में ही आएगा, because वो तो कभी pass उतना आया नहीं, हम लोगों ने क्या किया, तो उसमें तो error रहेगा ही। सर जितना ज्यादा error उतना ज्यादा radius। हाँ वो भी बात है, जितना ज्यादा एरर रहेगा उतना ज्यादा ये है। अच्छा आयनिक रेडियस, अब आयनिक रेडियस क्या होता है, आयंस का रेडियस, ठीक है ना। अब इसमें पहला टर्म, रेडियस किसी भी कटायन का ऑलवेज स्मॉलर होता है किससे, न्यूट्रल एटम, पैरेंट एटम। हाँ हमेशा, बहुत लॉजिकल सा बात है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ये आप भी लॉजिकली सोच सकते हो कि Na प्लस में और Na में किसका बड़ा होगा, हाँ बिकॉज Na प्लस में आपने क्या किया, यहाँ 281 था, यहाँ 28 है, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहाँ पर प्रोटॉन अभी भी 11 है दोनों समय, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हाँ, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पर 11 प्रोटॉन सोडियम में वॉज अप्लाइंग फोर्स ऑन 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, लेकिन यहाँ पर एक आदमी चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब वही 11 प्रोटॉन्स आर नाउ अप्लाइंग फोर्स ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो पर यूनिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। जैसे आपको नाम देना हो तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कटायन से ऑलवेज स्मॉल होता है, क्लियर है? Yes. इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख दूं, मैं विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि आप लोग को याद रहे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब अंदर में जितने प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो इसमें प्रॉब्लम तो आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेरे ख्याल से आगे का तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आर्यन होने वाला है, छोड़ रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, और होगा क्या, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मोर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ऐसा करने से क्या होगा, कॉजेज अ डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, स्क्रीनशॉट लो एक और बता करके, ये क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट लो, मेरे ख्याल से कोई लोड नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यस भेज दिया। और लास्टली हम लोग को जब ये कर चुके हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि द रेडियस द नेगेटिव आयन इज ऑलवेज क्या लार्जर देन दैट ऑफ द सर, अब एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं, जाऊंगा जाता हूँ, व्हाट्सएप पे है स्क्रीनशॉट, देखो व्हाट्सएप है ना, लिख लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, ठीक है, ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर, हाँ बट इट इज एक्टिंग ऑन अ लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इन्हीं को अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करना है, जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है,
इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड लेस टाइटली, ठीक है, और इसके कारण इंक्रीज हो जाता है इन साइज ऑफ एटम। और आप लोग ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि एच माइनस का जो साइज, एच माइनस का साइज, जैसे एफ माइनस का साइज तो एफ, ये हैरानी की बात नहीं है, तो ठीक ही है, बट एच माइनस का साइज ब्रोमीन के बराबर हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेशन वाइज क्या हुआ होगा, एच का, एच माइनस का मतलब प्रोटॉन एक और कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो ना पर यूनिट इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ का आ गया, मतलब एक ही प्रोटॉन है ना, उसको दो इलेक्ट्रॉन संभाला ही नहीं जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिपल्शन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं साइज बढ़ाएं साइज बढ़ाएं, तो एच माइनस का इफेक्टिव साइज ब्रोमीन के बराबर हो जाता है। लोगों को लगता है सर छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एच माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से सोच सकते हो साइज में कितना का कंट्रीब्यूशन आता है, और इसीलिए आया है बिकॉज एक प्रोटॉन है ना। पर यूनिट निकालोगे तो क्या है परसेंटेज वाइज, तो वन प्रोटॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, तो एच माइनस का साइज ब्रोमीन के बराबर, वेरी लार्ज इफेक्ट, ड्रास्टिक इफेक्ट, जस्ट तुमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। क्लियर है सबको यहां तक, कोई डाउट है इसमें बताओ। सर सेम के बाद क्या लिखा है? मैंने किसके बाद, न्यूक्लियर चार्ज एक्ट्स, एक्ट्स ऑन है ना, एक्ट्स ऑन, एक्ट्स ऑन अ लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड लेस टाइटली, और इसके कारण साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो गया है।